हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा, जो कि क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर होगा। तो अगर आप क्लास 10th की 2021 में बिहार बोर्ड का आप अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जो कि शुरू से अंत तक जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो जो कि समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैंने जो किया 25 तक क्वेश्चन तक का मैंने जो कि साइंस का जो किया है बात कर लिया था दूसरा चैप्टर में। तो जो कि आज मैं 26 से इसमें बात करूँगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने में यह विद्युतीय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे, बी में कह रहा है क्लोर अभिक्रिया, सी में कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, डी में कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो मेरा 26 का जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो ऑप्शन दिया गया है कि ब्रोमीन होता है, बी में कह रहा है पारा, सी में तांबा और डी में कह रहा है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, ब्रोमीन जो है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, तो ब्रोमीन होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि 28 कह रहा है सीता और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीता और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया सोल्डर, बी में स्टील, सी में गन मेंटल और डी में उपधातु। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, सोल्डर जो है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में ए में है लिथियम, बी में कैल्शियम, सी में कॉपर और डी में आयरन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 28 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, जो कि लिथियम जो है, जो कि यह निम्नलिखित में चाकू से किसे काटा जा सकता है, लिथियम को जो कि चाकू से काटा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें ऑप्शन दिया गया है कि एक में जो कि है एक सिग्मा एक पाई आबंध है, बी में कह रहा है दोनों सिग्मा आबंध है, सी में कह रहा है दोनों पाई आबंध है, डी में कह रहा है दोनों इलेक्ट्रो बैलेट आबंध है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 30 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो कि ए होगा, ठीक है। एक जो लिथियम में कार्बन, अगर दो कार्बन के बीच आबंध मौजूद होते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो ऑप्शन दिया गया है 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 7। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 31 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा 7 होगा। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन दिया गया अल्फाकाइन का होगा या एल्किन का होगा, सी में कह रहा है एल्केन का होगा, डी में कह रहा है प्रोपाइल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 32 का जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एल्केन जो है, जो कि CnH2n+2 का किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का है, आप इसे याद रखेंगे, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 करा नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, आपको पता होगा, ऑप्शन ए में दिए गए कॉपर जो कि CuSO4 × 7H2O, बी में कह रहा है CuSO4 × 5H2O, सी में कह रहा है CuSO4 × 4H2O, डी में कह रहा है CuSO4 × 10H2O। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का जो मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी कॉपर सल्फाइड इंटू 5H2O, जो कि ये नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कि आवर्त सारणी के उद्गार स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में वर्ग, बी में आवर्त, सी में जो कि अपरूप, डी में कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 34 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए वर्ग, जो कि आवर्त सारणी के उपसर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35
करा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो क्या है? तो ऑप्शन ए में जो कि अम्लीय धातु, बी में क्षारीय धातु, थर्टी फाइव का जो किया है ऑप्शन सी में अक्रिय गैस, बी डी में मिश्र धातु। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, क्षारीय धातु, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्षारीय धातु जो कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं, तो क्षारीय धातु होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, करा भारत सरकार के बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन ए में 1985 ईस्वी में, बी में 1970 ईस्वी में, सी में 1966 ईस्वी में, डी में 1967 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 36 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 1970 ईस्वी में भारत सरकार में बांध संरक्षण योजना का कब प्रारंभ किया गया था, तो 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 करा है, कोशिका का पावर हाउस कहाँ है, कहाँ जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है माई जो कि टोका इंडिया को, डी बी में करा है एटीपी को, सी में करा है नेफॉर्न को, डी में करा औंशिक श्वसन को। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा, कोशिका का पावर हाउस कहाँ है, तो माइटोकांड्रिया में है, फांडिया में है, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करा किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलियाँ निकलती है? तो ऑप्शन ए में मूलिकन में, बी में है विखंडन में, सी में है जो कि अपघटन में, डी में है बीजाणु जनन में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 38 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, 38 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि मूलुकन में है। तो मूलुकन या इसे आप याद, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलियां निकलती है, तो मूलुकन में निकलती है, ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर जो कि 39 है दोस्तों, करा है मनुष्य में विक्र संबंधित है, तो ऑप्शन ए में पोषण से, श्वसन से, सी में करा उत्सर्जन से, डी में करा परिवहन से। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 39 का जो कि 39 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन उत्सर्जन जो है मनुष्य के वीर्यक संयोजित का किससे होता है, उत्सर्जन से होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 करा श्वशोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? ऑप्शन ए में CO2 कार्बन ऑक्साइड, बी में क्लोरोफिल, सी में करा है कि सूर्य का प्रकाश, डी में सभी। यहाँ पर तो जो मेरा 40 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन में दिया गया है जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 करा प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में जल से निकलता है ऑक्सीजन, या CO2 गैस से, CO2 कार्बन ऑक्साइड गैस से निकलता है, या ग्लूकोज से, या डिक्टोजोम से निकलता है। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का जो कि ऑप्शन ए, कार्बन ऑक्साइड जो कि है श्वसन पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन ऑक्साइड, आप ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या होता है? जल से, CO2 गैस से। 40 का जो कि मेरा सॉरी ये जो कि है यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर होता, मैं 41 का आंसर बता रहा था कि ऑप्शन यहाँ पर जो है 42 का जो कि 40 का जो कि है सॉरी एक 41 का जो मेरा राइट आंसर है जल से जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 करा निम्नलिखित में कौन सा पादक हार्मोन है? तो ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है थायरोक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन, डी में साई जो कि टोकानियन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी साई टोकानियन, टोकानियनिन जो है निम्नलिखित में कौन सा जो कि है पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 करा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दुर्मिका, बी में सिनेटिक दरार, सी में एक्सॉन, डी में आवेग। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 42 का, 43 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, सिनेटिक दरार जो है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, सिनेटिक दरार कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है क्या है? ए में कह रहा है पुंकेसर, बी में कह रहा है अंडप, सी में कह रहा है वर्तिक्राग, सी में कह रहा है वर्तिका, तो यहाँ पर डी में कह रहा है वर्तिका। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 44 का जो कि ऑप्शन ए होगा, दुर्मिका जो है 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुंजेसर,
फूलों में नर प्रजनन अंग है जो कि पुंजेसर अंग होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 करा कि द्विखंडन होता क्या है। एक ए में करा अमीबा होता है या पैरा मिसियम होता है या लीशमैनिया में होता है या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 45 का, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन जो कि ए होगा, ठीक है। पुंसे जो कि 45 का अमीबा जो है एक द्विखंडन होता है अमीबा में, अमीबा जो पेट में होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 करा अनुवंशिका का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया मेंडल को कहा गया था या डार्विन को या अरस्तु को या हेल्डन को। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 46 का, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। मेंडल को जो किया अनुवांशिक का पिता कहा गया था मेंडल को, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 करा निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया हरे पौधे, बी में है नील हरित शैवाल, सी में करा जंगली जानवर, डी में करा फूल और पत्ते। यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 47 का जो कि ऑप्शन सी होगा, जंगली जानवर जो है। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता का श्रेणी में रखेंगे, जंगली जानवर को। आज का लास्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन एक जैविक प्रकरण द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर देगा सूखे घास पत्ते, पॉलीथिन, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 48 का जो कि ऑप्शन ए होगा, सूखे का घास। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। जब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।